गणपति बप्पा की जय घोष और हाथों में मोदक का भोग। जी हाँ, अवसर तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे 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 गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो लाओ करिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी तड़का। दोस्तों, टीवी तड़का में आज हमारे साथ गणपति उत्सव का तड़का लगाने आए हैं करणवीर। करणवीर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया। एब्सोल्युटली, स्वागत ही ऐसे होना चाहिए ना गणपति का। करण, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि सॉरी करणवीर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गणपति को लाते हो हर साल, इस पर क्या स्पेशल है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे ये स्पेशल है कि हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं ये हमारा 31st ईयर है। 31 साल हो गए कि गणपति हमारे घर आ रहे हैं। बचपन से ही मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, सो इट इज़ मतलब एक उनके साथ एक ब्रो सा कनेक्शन हो गया है हमारा, यू नो, सो वी आर ब्रोदर्स। बट खुशी इस साल इस बात की है कि हमने इस बार हमारे घर पे बैठाया, बिकॉज जनरली मम्मी के घर बैठते हैं वो, क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हमने सोचा कि एक डबल ब्लेसिंग मिले इसी रीज़न से, एंड सो इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर अस दैट ही इज़ हियर इन आवर हाउस। आपका कनेक्शन तो बहुत पुराना है। आइए हम आपको दिखाते हैं रागिनी खन्ना कितने टाइम से लेकर के आ रही हैं गणपति बप्पा को अपने घर पे। क्या बात कर रहे हैं, तो चलो रागिनी, आई एम कमिंग टू योर हाउस, आई वांट टू सी योर गणपति राइट नाउ। इस साल भी हमने खूब तैयारियां की है, बप्पा का बहुत प्यार सी सजावट हमने खुद की है। हम मानते हैं कि हम जो भी करें थोड़ा करें, लेकिन अपने खुद के हाथों से करें। मम्मी सब करती हैं अपने आप, और मैं मम्मी को सुपरवाइज करती हूँ। ये 17वां साल है हमारे पापा का। मैं 96 में पहली बार गणपति लाई थी, और 96 में जब पहली बार गणपति लाई थी तो बहुत ही छोटे से वे में मैंने सब कुछ किया था, और ऑरेंज गणपति थे, मुझे अच्छे से याद है, एकदम ऑरेंज गणपति थे, और डेढ़ दिन के लिए रखे। पहली बार जब गणपति रखे थे मुझे याद है मम्मी की कोई मन्नत मांगी थी मम्मी ने, और वो मन्नत पूरी हुई थी, तो हमने सोचा था कि 3 साल हम पापा को रखेंगे अपने घर में। बट वो 3 साल बाद एक ऐसे बोलते ना आदत पड़ गई, और हमें मन नहीं किया कि हम रोकें। पापा के लिए जो खाना बनता है बगैर प्याज लहसुन का बनता है, फिर मोदक, तो ऑब्वियसली मिठाइयाँ, पेड़े और बहुत कुछ खाना होता है, वो सब घर पर बनता है। करणवीर जी, अगर हम लोग बात करें बप्पा की, तो माना जाता है कि उन्हें मोदक लड्डू बहुत पसंद है, तो इनको लाते टाइम आप अपने स्वाद का भी ध्यान में रख दो कि मुझे ये पसंद है तो यही मैं चढ़ाऊंगा बप्पा को। देखिए, जो उन्हें पसंद है वही हमें पसंद है, और अगर वो ना नहीं करते तो हम ना क्यों करें। तो 10 दिन नो हेल्थ, नो डाइट, नथिंग, हम सीधा टूट पड़ते हैं जब ये मोदक खाते हैं। उसके बाद जो चढ़ते हैं इनके ऊपर वो फिर मेरे पेट के अंदर चढ़ जाता है वो, सो हम भी बहुत इन्जॉय करते हैं। जो कोई आता है इनको प्रसाद चढ़ाते हैं वो खा जाते हैं, किसी के घर जाते हैं हम वो प्रसाद वो खा जाते हैं। हम बेसिकली खाने में एक्सपर्ट हैं, तो हमें प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। जैसे रागिनी के घर में हमने खाया था प्रसाद, कितना मज़ा आया था, है ना। तो फिर भी थोड़े सीधे हो, संभावना सेठ तो पूरा अपने हिसाब से ही लेकर के आती है सारे भोग, पानी पूरी एंड ऑल। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। क्या बात करें, संभावना के घर में पानी पूरी, चलो खाते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से ध्यान में रखती हूँ कि अभी ये बप्पा पे चढ़ावा चढ़ेगा, उसके बाद ये मेरे पेट पे भी जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस बार तो बहुत डाइट वाइट पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैंने कहीं ना कहीं हाथ मार देना है छोले भटूरे, क्योंकि दिल्ली की पंजाबन हूँ तो खाने की बहुत शौकीन रखती हूँ। पापा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, छोले भटूरे हो, पूरी आलू हो, या फिर मटर पनीर हो, कोई राजमा चावल हो, कढ़ी चावल हो, सब पापा के सामने पेश होगी, उसके बाद वो मेरे पेट में भी जाएगा। 5 दिन पापा घर पे रहते हैं, और काफ़ी टाइम से मतलब कुछ 4-5 साल हो गए कि ये 5 दिन मेरे घर पे बैठते हैं, और ये हर साल 5 दिन बैठेंगे। करणवीर, बात करें अगर बप्पा की, तो उनकी जो सवारी है मूषक, बोलते हैं उनके कान में जो भी विश मांगो पूरी होती है, तो आपने कुछ मांगा है बप्पा से? देखिए, हमारा एक नियम है, एक रिवाज है जो हम मानते हैं, जब गणपति को हम विसर्जित करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में उनके कान में हम विश मांगते हैं,
और मूषक के भी कान में विश मांगते हैं, लेकिन जब भी वो जाते हैं तब ऐसे नहीं कि रोज़ आओ और विश मांगो, यू नो, तो फिर वो वेस्ट हो जाती है विश। तो एक बार राइट कान में हम डालते हैं, राइट कान में हम विश करते हैं। सो इस बार जब विसर्जन होगा गणपति जी का, तो राइट कान में उनसे विश ज़रूर मांगेंगे। आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि हमारी नन्ही वीरा यानी हर्षिता कान में क्या मांगती है मूषक। अरे क्या बात कर रहे हैं, वीरा कान में कुछ मांग रहे, चलो आओ सुनते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। विश तो अभी तक कुछ नहीं मांगा मैंने, पर अभी मांगने जा रही हूँ। क्या मांगोगे? नहीं मालूम, सोचो। इनके कान में चुपके से बोल दो क्या विश चाहिए तुम्हें, ये पूरा कर देंगे। हाँ, नहीं, मूषक के कान में बोलते बेटा, मूषक पूरा कर। करणवीर जी, अगर हम लोग बात करें टीवी इंडस्ट्री की, तो जैसे महाभारत है, रामायण है, उसके कैरेक्टर्स हमारे जहन में बस चुके हैं, और इसी में अगर हम बात करें, तो अगर हम जैसे ही याद करते हैं बजरंग बली को, तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? आरा सिंह जी। जी बिल्कुल, इसी तरह टीवी इंडस्ट्री में बात तो ये कि उनके जो बेटे हैं बिंदु जी, बिंदु दारा सिंह, वो हमारी फिल्म में। जी बिल्कुल, तो आपसे जानना चाहेंगे कि टीवी इंडस्ट्री में अगर आपको बोलना पड़े कि ये बिल्कुल फिट है बप्पा के रोल के लिए, तो आप किसका नाम बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो भारती। वो इतनी क्यूट सी, इतनी क्यूट, गोल मटोल, गोरी सी, स्वीट सी, उनकी आँखें आप देखो तो एकदम इतनी प्यारी है, बस खाली एक सून लगा दें लंबी सी और उनको गोद में बैठा दें यहाँ पर, और उसी को मोदक खिलाऊं और मैं मोदक खाऊं। आपने इनका नाम लिया, आपको बताते हैं अंकिता शर्मा किसको देखना चाहती है गणपति के रूप में? अंकिता शर्मा भी, वो भी अंकिता शर्मा, देखो मैंने भारती को चूज किया, आई होप यू चूजिंग समबडी नाइस टू। ओके, महादेव में जो शादिल कपूर है ना उनका नाम, हाँ, तो वो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। प्लस एक और मैं वो बात बोलना चाहूँगी, वो मुझे पता नहीं वो बच्चा एक्टिंग करता है या नहीं करता है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल वाले उनको जब गणपति के टाइम पे बनाकर लेकर आए थे एक बच्चे को, उस बच्चे को देख के मुझे सच में ऐसा लगा कि साक्षात गणपति जी आ गए हैं। वो इतना तो तोंदू था, इतना मतलब इतना क्यूट था वो, मतलब ऐसे बिल्कुल गणपति जी ऐसा लग रहा था। तो लिटरली मैंने उसके पाँव छुए थे कि कहीं ना कहीं इसमें गणपति जी का वास है, क्योंकि बिल्कुल गणपति जी लग रहा था। गणपति उत्सव की अगर हम बात करें, तो ये ढोल के बिना तो अधूरा रहता है। आप बताइए, जिस तरीके से जितने धमाके के साथ बप्पा को लेके आते हो, उतने ढोल नगाड़े के साथ आप विदा भी करते हो? हम लोग बहुत ही अलग चीज़ करते हैं। हम लोग है ना, दो दो तीन तीन स्पीकर्स अटैच करते हैं हमारी डिक्की में, गाड़ी में, और हमारे मेरे कज़न जो हैं, हमारी एक चाची है नीलू चाची, उनके घर में गणपति रखते हैं, वो गणपति, ये गणपति हम डिक्की में बिठाते हैं खोल के, और म्यूज़िक इतने लाउड ऑन करते हैं, और फिर उसके बीच हम डांस कर रहे हैं, और गाड़ी आगे चल रही है, हम पीछे डांस कर रहे हैं, वो आगे हम पीछे, वो बीच में आगे पीछे, आगे पीछे, धमाल। आप धमाल करते हो, हम ज़रूर देखेंगे आपके धमाल को भी। लेकिन गुरमीत और देवना भी क्या ताबड़तोड़ डांस किया पूरे विसर्जन के थ्रू, आइए आपको दिखा। गुरमीत देवना, तुम लोगों ने गणपति रखा, मुझे नहीं बुलाया, मतलब मुझे इनके थ्रू आना पड़ रहा है आपके घर। चलो देखता हूँ मैं भी, और कान मरोड़ता हूँ तुम लोगों के। चलो गुरमीत और देवीना के घर। लग रहा है क्योंकि घर पे जब रहते हैं तो एक माहौल बना रहता है, लगता है कि बाहर जो मेला होता है वो घर के अंदर हो गया है, और उसका अलग ही मज़ा है। अब जब जा रहे हैं तो इतना अभी नहीं लग रहा, लेकिन जब घर वापस जाऊंगा तो मुझे लगता है कि तब ऑफकोर्स बुरा लगेगा। एक बार गणपति बप्पा बोले होते हैं, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है, और इसीलिए एक्साइटमेंट के कारण ही ये सब कुछ है, नहीं तो बहुत ही आसानी से सब कुछ कर देते, इतना पैदल पैदल जाने की कोशिश नहीं करते। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कहीं ना कहीं लगता है बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी जा रहे हैं। एक्चुअली लग रहा था सुबह, बहुत लग रहा था कि जैसे डेढ़ दिन में इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, अभी जाने नहीं देना चाहिए,
पर वही है, वही रिवाज है कि जाना है तो तभी वो अगले साल आएंगे और ढेर सारी और खुशियाँ देकर जाएंगे। एक बार गणपति पापा बोले, गणपति पापा। चलते चलते चलिए आपको दिखाते हैं अंकित किस तरीके से बप्पा का स्वागत कर रहा है। इस बार के गणपति में बहुत सारी चीजें खास है। पहली चीज खास ये है कि ये गणपति जी का तीसरा साल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर होता है। एंड उसके बाद गणपति जी आज आए हैं हमारे घर पे, जैसे पिछली बार मेरे जन्मदिन पे आए थे, इस बार मेरे डैड के जन्मदिन पे आए हैं, जो कि वहाँ बैठे हैं सामने। आज उनका भी जन्मदिन है और गणपति बप्पा का भी जन्मदिन है, तो मेरे लिए डबल खुशी है। मेरे बप्पा और पप्पा का जन्मदिन है, दोनों का एक साथ एंड घर पे आए, वो तो बहुत बड़ी बात है ही ऑलरेडी। तो तीन बहुत बड़ी बातें हैं मेरे पास, और चौथी बड़ी बात यह है कि बप्पा जब आते हैं तो मम्मी और पापा भी आते हैं साथ में, तो घर थोड़ा सा कोई होता है घर पे, तो एक फेस्टिवल जैसा फील भी आता है मेरे को। तो बहुत सारी बातें खास है इस बार गणपति बप्पा के उत्सव में। गणपति जी ज़्यादा डिमांड नहीं करते, कि बहुत चीज़ें नहीं मांगते मुझसे कि ये करो वो करो, बस दिल से ले आता हूँ उनको। और इस बार तो मैंने बहुत फुर्सत से इनको डिज़ाइन करवाया, वेलवेट है, काफ़ी सारा ग्लिटर है, बांसुरी बजा रहे हैं एज यूजुअल, जो हर साल बजाते हैं। म्यूजिकल बप्पा है मेरे, जैसे मैं म्यूज़िक के बिना नहीं रह सकता वैसे बप्पा को भी नहीं रहने देता हूँ। और उनके ऊपर शेष नाग भी हैं, उनका साया है, और बिल्कुल नहीं बोर होने वाले हम लोग, बिल्कुल मैं और पापा बैठ के इन्जॉय करने वाले। कल इनकी सेवा करूँगा, फ्रूट खिलाऊँगा, खाना खिलाऊँगा और थोड़ा मसाज करूँगा, पटाऊँगा। हर साल ऐसे आया करो खुशियाँ लेके मेरे पास। चलिए दिखाते हैं आपको इनके घर में कैसे गणपति का स्वागत हो रहा है और जाते जाते कैसे उदास हैं ये बप्पा के जाने से। सबसे पहले तो हम कहेंगे गणपति बप्पा। टीजे आपसे जानना चाहेंगे, हर साल गणपति आते हैं आपके घर पे, क्या स्पेशल क्या खास है इस बार? एक्चुअली हर साल मेरे मदर इन लॉ के घर आता है गणपति, पहले साल हमारे घर आया। और यू नो व्हेन आई वाज यंगर इन कनाडा में गणपति कोई एक्चुअली ज़्यादा मनाता नहीं, आई डोंट नो एनीबडी हु केप्ट गणपति अब्रॉड। सो मुझे गणपति की स्टोरी यहाँ की पता चली थी क्या है, एंड करणवीर ने मुझे बताई थी कि यू नो बच्चे का सर काटा है, ये किया वो किया। सो हाथी का सर नहीं, सो उसके बाद हाथी का सर रखा था। सो आई सेड वो जो ऑथेंटिक है ऑथेंटिक रखना चाहिए, सो मैंने चूज़ किया था जो रियल गणपति मेरे हिसाब से है। हमारे गणपति को 31 ईयर्स हो गए हैं, ओके, ये 31 साल के हो गए, मम्मी के घर हमेशा रहते हैं। इस बार एक्चुअली हमने सोचा कि यहाँ आए तो ताकि और ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि अब जो कि हम लोग प्रमोशंस के लिए रोज़ जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक टाइम आउट। तो इसलिए हमने सोचा कि जब रात को आएँ तो यू नो इट्स सो नाइस, जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और यहाँ पे लाइट लगी रहती है, एंड आई सी हिम एंड आई गो टुवर्ड्स हिम एंड जस्ट टच हिज फीट एंड आई सेड यू नो लाइक मुझे हाई, उन्होंने ऐसा हाथ भी रखा तो हाई फाइव करते हैं, हाँ यू नो थैंक यू फॉर द डे, या रियली एब्सोल्युटली। और जब ये एक्चुअली जब ये आते हैं तब हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन पहले से करते हैं, लेकिन ये आते हैं थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, घर को अपना मानते हैं, और उसके बाद हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं ताकि ये भी देखें कि हमारी शान में क्या क्या हो रहा है। वैसे हमने ना दो गणपति रखे हैं इस बार, क्योंकि ये जब मैं हमेशा कहते हैं कि एक्चुअली गणपति आपको बुलाते हैं, आप जाते हो और एक ऐसा एक लुक होता है कि ये है गणपति। तो ये जो छोटे वाले हैं ना, मेरी एक छोटी सी नीस है, भांजी है आर्या करके, तो वो एकदम उसकी शक्ल एकदम वैसी लगती थी, तो मैं लगा कि ये भी बुला रहे हैं मुझे, तो मैंने इसे भी ले लिया, बोला चलो आ जाओ। दोनों का मैं घर लेके आ गया। बट द ब्यूटी इज़ दिस कि हम लोग 11 दिन का रखते हैं हमेशा, पिछले 31 ईयर्स से 11 साल ही रख रहे हैं, 11 दिन ही रख रहे हैं, लेकिन इस बार हम जू बीच या चौपाटी में जाकर नहीं करेंगे, बिकॉज हम मानते हैं कि यू हैव टू प्रिजर्व कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, और ये इतने सारे आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, इतना हम उसमें कचरा डालते हैं, वो अच्छा नहीं है हमारे नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए। इसलिए यहाँ पर लोखंडवाला के पीछे एक आर्टिफिशियल लेक बना है, सो वी विल इमर्स दिस गणपति इन दैट लेक फॉर द फर्स्ट टाइम। बात अगर मोदक की करें तो गणपति को मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, जब आप इनके लिए भोग लाते हो तो अपने भी टेस्ट का ध्यान में रखते हो या सोचते हो मुझे ये पसंद है तो गणपति को ये चढ़ा दूँ? देखिए चाहे गणपति मम्मी के घर हो या हो, मम्मी आती है और हमेशा ये गणपति के लिए लंच बनाएंगे। आलू गोभी है, पंजाबी लंच है, एक नाइस अच्छी सी दाल है, एक रोटी है, ये डाइटिंग कर रहे हैं,
कि थोड़े फैट हो गए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पिक्चर हिट करा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरे आरे बप्पा मोरे आरे बप्पा मोरे आरे ये गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पिक्चर हिट करा मोरिया।